वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इस लेक्चर में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस के यूज के 5 रूल को हम सीखेंगे इस लेक्चर में। आज केस 1 अर्थात रूल 1 है, सिंपल पास्ट टेंस यूज टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स का मतलब विगत घटनाएं, घट बीत चुकी घटनाएं, जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं उनको हम बतलाने के लिए करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग। क्या घटनाएं हो सकती हैं, एग्जांपल देखिए। राम बॉट अ पेन। आप जानते हैं बॉट किसका है, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, राम ब्रॉट, फिर तीसरा फॉर्म भी ब्रॉट होता है। तो राम एक पेन लाया, राम एक पेन लाया, लाने का काम हो गया है, ये पास्ट इवेंट हो चुका है। सीता में राम मेट सीता ही अयोध्या, अयोध्या में राम सीता से मिले, ये तो रामायण की कहानी है, ये तो कब की घट चुकी है, बीत चुकी है, पास्ट इवेंट है। शीला मिस द ट्रेन, शीला ने ट्रेन छोड़ दिया। तो यहाँ पे यह जो काम है पास्ट हो चुका है, बीत चुका है। तो जो भी बातें, जो भी सेंटेंस आप बोलेंगे लिखेंगे, अगर वह टाइम बीत चुका है तो उसे आपको लिखना चाहिए सिंपल पास्ट टेंस में, जिस तरह से यहाँ पे है। इस केस में, केस वन में और भी कुछ कहानियां हैं। कहानियां यह है कि अगर सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट और अगो, लास्ट का मतलब आप जानते हैं, लास्ट का मतलब विगत, अच्छा है पिछला, अगो का मतलब पहले, ये सब होता है। तो तीनों वर्ड अगर सेंटेंस में होंगे तो ये पास्ट इवेंट को पुख्ता कर देते हैं कि हाँ वो पास्ट में ही हुआ था। पुख्ता कैसे करते हैं, तो आप इनका हिंदी मीनिंग निकालिए। यस्टरडे का मतलब आप सबको पता है कि बीता हुआ, कल होता है। लास्ट का मतलब आपको पता है कि जो टाइम गुजर गया है उसको बोलते हैं लास्ट, विगत। अगो का मतलब होता है कि पहले, मतलब जब हम बात कर रहे हैं उसके पहले, तो यह भी गुजरा हुआ ही समय होता है। तो ये सब वर्ड्स अगर मिल जाएंगे सेंटेंस में तो आप उसे पास्ट इवेंट समझेंगे, और आप देख रहे हैं कि जो भी पास्ट इवेंट होता है उसे सिंपल पास्ट टेंस में दिखलाते हैं। यहाँ जो उदाहरण था इन तीनों वर्ड के अतिरिक्त, तीनों वर्ड को याद करने का तरीका क्या है, एक वर्ड याद रखिए, ले। आप लेज का वेफर्स खाते हैं, तो ये ले, ले, एल ए वाई, एल फॉर लास्ट, ए फॉर अगो, वाई फॉर स्टार्ट, तो ले करिए। तो यहाँ पे ले वर्ड नहीं है, फिर भी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जितनी बातें हम कह रहे हैं पास्ट हो चुकी है, पास्ट इवेंट है। लेकिन बिल्कुल क्लियर भी कभी कभी देता है, अगर ये तीन वर्ड रहे तो आप उसे पास्ट इवेंट ही समझेंगे, और पास्ट इवेंट समझेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जरा देखिए, पहले में स्टर्डे है, दूसरे में लास्ट है, तीसरे में अगो है। लास्ट के साथ कुछ भी रहे, नाइट रहे, मंथ रहे, डे रहे, आवर रहे, कुछ भी रहे, लास्ट होना चाहिए। अगो के साथ, अगो के पहले 5 मिनट्स दिया है, डेज दे, आवर्स दे, डेट कोई दे दे, डेट नहीं मतलब कोई कोई ईयर दे दे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगो ये सब रहता है सेंटेंस में। जब रहता है तो उसे पास्ट इवेंट समझेंगे और पास्ट इवेंट को सिंपल पास्ट टेंस में दिखाएंगे। राम अटेंडेड द मीटिंग स्टार्टे, कल राम ने मीटिंग अटेंड किया, मतलब मीटिंग में शामिल हुआ। तो यहाँ पे स्टार्टे हो गया है, मतलब काम पहले हो चुका है, इसलिए यह सिंपल पास्ट में आएगा। आई सॉ हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट, मैंने उसे गत रात पार्टी में देखा, तो रात बीत चुकी है, यह भी पास्ट इवेंट है। तो सिंपल पास्ट का देखिए V2 का प्रयोग किया हुआ है, हमने तो कल सीखा हुआ है कल के लेक्चर में कि इसका कैसे स्ट्रक्चर होता है। नाउ राम वेंट आउट 5 मिनट्स अगो, राम 5 मिनट पहले चला, राम 5 मिनट पहले गया, तो 5 मिनट पहले गया तो जाने काम हो चुका है, इसलिए हमने V2 का प्रयोग किया है जो कि सिंपल पास्ट टेंस में ही होता है। तो इस तरह से हमने पहला रूल देख लिया। पहला रूल में हमने यही पढ़ा, कोई भी पास्ट इवेंट हो उसे सिंपल पास्ट टेंस में दिखलाते हैं।
पास्ट इवेंट को सूचित करने के लिए तीन वर्ड भी मिल सकते हैं जो है ले। ले का मतलब बतला दिया है आपको। अब आते हैं केस नंबर टू पर। केस नंबर टू बतलाने से पहले, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हमने पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ जो है उसमें हमने पढ़ा था आर आर एच एक्शंस, जो एक्शन रेगुलरली होता है, रिपीटेड होता है और हैबिचुअल होता है। इसमें बतलाया था हमने कि जो एक्शन रेगुलर, रिपीटेड और हैबिचुअल होता है उसको हमें दिखलाना पड़ता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो जो रेगुलर होता है, अभी भी हो रहा होता है, जब बोलता है कोई उस वक्त भी वो हो रहा होता है, तो प्रेजेंट टाइम में होता है जो आरआरएच एक्शंस कहेंगे, रेगुलर, रिपीटेड, हैबिचुअल, प्रेजेंट टाइम में होता है तो ठीक है। लेकिन जैसे अभी आप बड़े हो गए, छोटे थे तो छोटे कोई काम करते थे, छोटे थे तो, और बड़े में नहीं करते हैं, तो वो जो काम करते थे छोटे में वो भी आरआरएच में ही था, रेगुलर था, चाहे रिपीटेड था, चाहे हैबिचुअल था, जो अब छोड़ चुके हैं। तो वैसी आदतें हम जो छोड़ चुके हैं, पास्ट हैबिट्स है, जो हैबिट्स थी लेकिन पास्ट थी, बीती हुई हैबिट्स थी, उनको हमें दिखलाना पड़ता है सिंपल पास्ट टेंस में। यह तो क्लियर है ना कि रेगुलर, रिपीटेड, हैबिचुअल जो एक्शंस होते हैं उसे सिंपल प्रेजेंट में दिखलाते हैं। लेकिन इसमें दूसरा पक्ष भी क्लियर हो गया कि कुछ हम छोड़ते जाते हैं और कुछ नया अपनाते जाते हैं। जो छोड़ दिया वो पास्ट हो जाएगा, तो पास्ट के लिए तो चार टेंस है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, किस में जाएगा? तो जो भी आएगा रेगुलर, रिपीटेड, हैबिचुअल, चाहे पास्ट हैबिट्स, उसको हमें केवल सिंपल पास्ट टेंस में रखना पड़ेगा, कोई पास्ट टेंस का कोई और टेंस में नहीं, सिंपल पास्ट में। दूसरा ट्रिक क्या हो सकता है कि सिंपल प्रेजेंट में होता था ये, जब प्रेजेंट टाइम में चल रहा था, जब पास्ट टाइम में हो जाएगा तो इसको सिंपल पास्ट में कर देंगे। आपने यहाँ पढ़ा था भी कि इनमें ऑलवेज होता है, जिस तरह से अभी हमने ले वर्ड पढ़ा ना, ले, यस्टरडे, अगो, लास्ट, जो भी, और इसमें नेवर होता है, इसमें ऑफन होता है, इसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो हमने कहा था कि वर्ड दिखता है तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कर देंगे, डेफिनेटली एग्जाम में ऐसे ही आता है, एग्जाम में ऑलवेज आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस करना चाहिए आपको, लेकिन थोड़ा सतर्क हो जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि कहीं वो हैबिट पास्ट तो नहीं हो गई है, ये समझना पड़ेगा। तो पास्ट हैबिट रहेगी तो सिंपल पास्ट टेंस, नहीं रहेगी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर ये सब वर्ड प्रयोग किए गए हैं। देखिए यहाँ पे ऑलवेज यूज किया है, इस एग्जाम्पल में नेवर किया है, इधर ऑफन किया है, राइट। आप फिर से देखते हैं, तो जो भी हैबिट हमारी बीत खत्म हो गई है, पहले थी, उसे सिंपल पास्ट में दिखलाते हैं। जैसे ही यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था, तो यहाँ पे धूम्रपान पहले करता था, अब नहीं कर रहा है, पास्ट हैबिट है, इसे सिंपल पास्ट में दिखलाएंगे। ही ऑलवेज एडवाइज्ड मी, वह हमेशा मुझे सलाह देता था, अब नहीं देता है, हम पहले देता था हमेशा, यह हैबिट था उसका, इसे हम कहेंगे सिंपल पास्ट में। आई नेवर टच वाइन, मैंने कभी शराब नहीं पिया, शराब के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरी जो हैबिट है पीछे भी थी, तो पीछे की हैबिट को तरह कभी शराब नहीं पिया। नाउ मीरा ऑफन टॉट मी, मीरा प्रायः मुझे पढ़ाती थी, अब नहीं पढ़ाती है, पहले पढ़ाती थी। तो इस तरह जो भी पास्ट हैबिट्स होगा उससे हमें सिंपल पास्ट में दिखलाना पड़ेगा। क्या सीखा? पहला रूल में सीखा कि जितने पास्ट इवेंट्स होंगे उसे सिंपल पास्ट में, और दूसरा जितने पास्ट हैबिट्स होंगे उन्हें सिंपल पास्ट में। तीसरा, पांच रूल है इसमें, तीसरा, हिस्टोरिकल डेट्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स जो भी होंगे उसे सिंपल पास्ट में दिखलाना पड़ता है। आप हिस्ट्री तो पढ़ते हैं, हिस्ट्री अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो जो सेंटेंसेस उसके मिलते हैं सिंपल पास्ट में मिलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पास्ट में ही होगा हिस्ट्री, इसमें तो समझाना नहीं है। लेकिन हिस्ट्री पास्ट के किस टेंस में होगा? चार टेंस है आप जानते हैं पास्ट में, तो उसके केवल सिंपल पास्ट में होना चाहिए हिस्ट्री को।
जो हिस्टोरिकल डेट हो चाहे हिस्टोरिकल इवेंट हो, अगर हमें लिख रहे हैं उसको इंग्लिश में चाहे बोल रहे हैं तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। उदाहरण हमारे पास है, गांधी जी डाइड इन 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई, तो यहाँ पे यह क्या है, हिस्टोरिकल डेट है, हमने लिखा है इसको सिंपल पास्ट में। बाबर इन्वेडेड इंडिया इन 1526, बाबर भारत पर 1526 में आक्रमण किया, इन्वेड मतलब आक्रमण करना, बाबर भारत पर 1526 में आक्रमण किया, यह भी एक हिस्टोरिकल डेट है। यहाँ पे भी हमने यूज किया है, इधर V2 किया था, यहाँ पे भी V2, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। नाउ द ब्रिटिश अम्पायर इन इंडिया सक्सीडेड द मुगल, अम्पायर मतलब साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने मुगल्स को पद स्थापित, मुगल्स को सक्सीड किया, मतलब मुगल्स को पदच्युत कर दिया, पद से हटाकर खुद भारत के अंपायर, भारत को भारत में अपना अंपायर स्थापित कर लिया। तो यह क्या है, यहाँ पे कोई डेट नहीं है, यह क्या है, इवेंट है, तो इस हिस्टोरिकल इवेंट को हमने दिखलाया। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, यह एक डेट है, तो हिस्टोरिकल डेट को हमने दिखलाया सिंपल पास्ट से। तो इस तरह से आपने पढ़ा रोल 3 कि हिस्टोरिकल डेट्स रहे, हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे, उसे सिंपल पास्ट में। फिर से फटाक से रिपीट कर लेते हैं, रहेगा पास्ट अगर इवेंट्स है तो, फिर पास्ट हैबिट्स है तो, और पास्ट हिस्टोरिकल डेट्स या इवेंट्स है तो भी सिंपल पास्ट में। चौथा जरा ध्यान से, चौथा में पहले देखिए, अगर कोई पास्ट टेंस है, जो इंग्लिश लिखा है वो मैं जानता हूं, मैं नहीं पढ़ रहा, आपको समझा दूंगा ठीक से। अगर कोई पास्ट टेंस है, उस पास्ट टेंस में दो वर्ब है, उस पास्ट टेंस में दो वर्ब है जो कि एक ही सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस है पास्ट टेंस का, एक ही सेंटेंस है पास्ट टेंस का जिसमें दो वर्ब है, तो इसमें कहा जा रहा है कि दोनों वर्ब या तो सिंपल पास्ट टेंस में होंगे या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे। अगर पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस है जिसमें दो वर्ब है तो वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, मतलब सेंटेंस जो होगा या तो सिंपल पास्ट में होगा या पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, दोनों वर्ब एक ही टेंस के होंगे, लेकिन आपकी मर्जी से सिंपल पास्ट कर दीजिए, आपकी मर्जी से पास्ट कंटिन्यूअस कर दीजिए, लेकिन एक सेंटेंस में एक ही तरह का टेंस चलेगा जब दो वर्ब रहेंगे तो, और वो पास्ट वाला। देखिए, व्हाइल राम वाज डांसिंग आई वाज सिंगिंग, जब राम डांस कर रहा था मैं गा रहा था, ये हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं सिंगिंग है, यहाँ पे डांसिंग है, दो वर्ब हो गया, और वाज सूचित कर रहा है कि यह पास्ट टेंस है। दूसरा, जब पास्ट टेंस में है तो किस टेंस में कर दिया हमने, इसे कर दिया है पास्ट कंटिन्यूअस में। फिर इसी में, व्हाइल राम डांस आई सैंग, जब राम डांस करता था मैं गाता था, तो यह किस में हो गया, सिंपल पास्ट टेंस में। तो यही कह रहा है कि एक सेंटेंस जो पास्ट में है तो एक वर्ब जिसमें होगा दूसरा वर्ब भी उसी टेंस में होगा, तो पहले वाला कर दिया पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरे वाला कर दिया पास्ट सिंपल पास्ट। फिर दूसरा एग्जांपल है, व्हाइल वी वर टॉकिंग चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जब हम बात कर रहे थे बच्चे खेल रहे थे, तो आप ये देख रहे हैं वाज है, सॉरी वर है, और यहाँ वर है पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस, क्यों, क्योंकि आईएनजी है, तो यहाँ पे एक वर्ब हो गया टॉकिंग, दूसरा वर्ब हो गया प्लेइंग। तो अब इसी को दूसरे टेंस में कर सकते हैं, व्हाइल वी टॉक्ड चिल्ड्रन प्लेड, जब हम बात करते थे बच्चे खेलते थे, तो ये हो गया सिंपल पास्ट। क्या कहा कि पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस है जिसमें दो वर्ब है तो दोनों ही या तो सिंपल पास्ट में रहेंगे चाहे पास्ट कंटिन्यूअस में रहेंगे, आपकी मर्जी। यह हो गया केस नंबर 4। पांच, पांच क्या है,
जब रिक्वेस्ट करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस के द्वारा, जब कोई रिक्वेस्ट करते हैं सिंपल पास्ट के द्वारा, जैसे आई वॉन्ट अ टिकट प्लीज, आप टिकट काउंटर पर जाकर एक टिकट मांगते हैं, इंग्लिश में कैसे मांगेंगे, आई वॉन्ट अ टिकट प्लीज, कृपया, मतलब आप कहेंगे कि मुझे, मैं एक टिकट चाहता हूँ, मैं कृपया एक टिकट चाहता हूँ, आप ऐसे मांगेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिक्वेस्ट जब करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसी रिक्वेस्ट को और अधिक पोलाइट बनाना पड़ेगा और अधिक नम्र बनाना पड़ेगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप सिंपल पास्ट टेंस में कर दीजिए, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कर दीजिए, रिक्वेस्ट अपने आप उसे पोलाइट समझा जाता है। जैसे आई वॉन्ट अ टिकट प्लीज, मैं कृपया एक टिकट चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ प्लीज भी है तो रिक्वेस्ट तो दिख ही रहा है। एनी वेज आई वॉन्टेड अ टिकट प्लीज अगर कह दिया आपने, तो प्लीज के साथ साथ आपने वांटेड भी कर दिया, आपका रिक्वेस्ट दो बार हो गया, एक आई वांटेड टिकट से ही हो गया, प्लीज तो है ही, तो जो था पहले आपका रिक्वेस्ट वो और अधिक नम्र हो गया है। तो रिक्वेस्ट को और अधिक नम्र करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। यह केस नंबर 5, यूज नंबर 5। दूसरा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर फ्यू मिनट्स, मैं आपसे कुछ मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। बोलने में ही हमने हम एक्सप्रेस कर देंगे, लिखा तो नहीं है प्लीज, बोलने में भी कह सकते हैं कि हम, मैं आपसे कुछ मिनटों के लिए बात करना चाहता हूँ, मतलब ए रिक्वेस्ट टाइप। तो अब इसको और पोलाइट करना है तो क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में डाल देंगे, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर फ्यू मिनट्स, मैं आपसे कुछ मिनटों के लिए बात करना चाहता हूँ। ध्यान रखिए कि सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगा सेंटेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस में वही मतलब होगा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मतलब होता था, बट हम यूज करेंगे V2 को, आई वॉन्टेड अ टिकट प्लीज, आई वॉन्टेड टॉक टू फॉर फ्यू मिनट्स, मैं आपसे कुछ मिनट बात करना चाहता हूँ। तो इस तरह से हमने पूरे 5 रूल्स जो सिंपल पास्ट टेंस के प्रयोग करने के नॉर्मली होते हैं उसे देख लिया है। समझते हैं फिर से, केस एक में देखा था कि जो भी पास्ट इवेंट्स होते हैं उसे हम दिखलाते हैं सिंपल पास्ट में, दूसरा में देखा था जितने पास्ट हैबिट्स होते हैं उसे सिंपल पास्ट में, तीसरा में देखा था हिस्टोरिकल डेट्स जो होते हैं एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं इनको भी दिखलाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, मतलब हिस्ट्री पढ़ते हम सिंपल पास्ट टेंस में। चौथा में देखा था कि पास्ट टेंस का एक सेंटेंस है और उसमें अगर दो वर्ब है तो वह या तो सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा, किसी एक में ही रहेगा। फिर लास्ट में पढ़ा कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से कोई रिक्वेस्ट किया है तो उस रिक्वेस्ट को और अधिक पोलाइट बनाने के लिए हम उसे सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। यह है केस नंबर 5। इतना ही था इसमें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।